अपने आप बताते हैं। देखिए अभी इन चाची से जानेंगे हम थोड़ी सी। बोलते हैं क्या नाम है आपका? ममता सेन। ममता सेन कब से आए हुए यहाँ पे आप? मैं 4 साल से बोलिया ही नहीं आज मैं आप लोगों को जावरा के हुसैन टेकरी मौला हुसैन की बारगाह पे लेकर के आया हूँ। यहाँ पे भूत परी जिन जिन्नात वाले सारे आला बला परेशानी वाले ठीक होकर के जाते हैं। तो कैसे आप लोग जा सकते हैं पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। इसी को कहा जाता है हुसैन टेकरी। ये देखिए यहाँ पर फैसले होते हैं जब भी आला बला वाले आते हैं माशाल्लाह, तो वो सब ठीक यहाँ पे ठीक होकर के जाते हैं माशाल्लाह। ये देखिए बड़ी दूर दूर से जायरीन आते हैं हाजिरी वाले। देखिए ठीक हो यहाँ क्या क्या करामत देखी है सुनिए आपने बताओ थोड़ा। सांप बिच्छू मुंह से अपने आप निकलते हैं। सांप बिच्छू अपने मुंह अपने आप मुंह से निकलते हैं। नींबू निकलते हैं और क्या नाम से उसका कीड़े निकलते हैं। हाँ बहुत सी बात है। मतलब जिसको जो कराए हुआ रहता है यहाँ पे ठीक हो जाता है। अच्छा एक चीज बताइए कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी क्या करामत है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो पांडे आज मैं आया हूं एमपी के रतलाम में। तो आज मैं यहां से जा रहा हूं जावरा, जो कि हुसैन टेकरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करामाती दरगाह हुसैन टेकरी। तो आज हुसैन टेकरी दरगाह के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मैं यहीं से गुजर रहा था तो काफ़ी सब्सक्राइबर भी मिल गया, मुझे अच्छा लगा। और यहां से 35 किलोमीटर दूरी पर है जावरा, जो कि आधा पौन घंटे का रास्ता है। तो चलते हैं और ये सबसे बेस्ट लोकेशन है क्योंकि यहाँ होटल रूम वगैरह सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं। रतलाम ज़्यादा करीब पड़ता है, बाकी आपकी इच्छा इंदौर से भी जा सकते हो। इंदौर भी पास है और उज्जैन भी पास है। उज्जैन से आप 100 किलोमीटर मान सकते हो है। तो अभी चलते हैं, मैं देख सकते हो ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और एमपी के रतलाम में पहुँच चुका हूँ। एमपी के रतलाम के पास में ये होटल शेरवलिन होटल लिया था मैंने, जो मेरे को मात्र 600 रुपये का पड़ा था। और ये सामने रेलवे स्टेशन है, सामने रेलवे स्टेशन है। तो आप रेलवे से भी जा सकते हो। और अगर आप लोगों को रेलवे से नहीं जाना है तो बस भी मिलती है, बस से भी जा सकते हो। तो मैं देखता हूँ, मात्र यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है, 35 किलोमीटर दूरी पर है। तो चलो चलते हैं जावरा, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और जिस होटल पर मैंने स्टे करा था वो होटल दिखा देता हूँ। यहाँ पर 500-600 रुपये का भी होटल आपको मिल जाता है। हाँ भाई बोलिए। काय की वीडियो बना रहे हो? ये यूट्यूब की भैया। कौन सा चैनल है ये? मिस्टर खान अजमेर आएगा। तो आप देख सकते हो ये सिल्वर इन होटल है, इस होटल पे मैं रुका था। तो अब यहीं से मैं जा रहा हूँ, अभी बस मेरे को उस साइड से मिलेगी। हाँ रतलाम और क्या बोलते हैं उज्जैन जावरा, सॉरी। हाँ मेरे भाई क्या नाम है आपका? ठीक है भाई शेयर करना। रुका था अब ये रेलवे का ब्रिज पार करके मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, वहीं से मेरे को बस मिलेगी। ये देखिए यहाँ का रेलवे स्टेशन है, यहाँ का एमपी का। एक चीज़ और बता दूँ कि रतलाम ने ना दो स्टेशनों में बटा हुआ है, यहाँ पर बीच में आबादी भी है। तो एक साइड इधर रतलाम जंक्शन है, एक तरफ उस तरफ भी रतलाम जंक्शन है, दो भागों में बटा हुआ है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जावरा के बस स्टैंड पे। अब यहीं से मुझे टेम्पो मिलेगा, जो कि मैं देखता हूं कोई मिलेगा तो पकड़ता हूं मैं हुसैन टेकरी के लिए। यहां से 6.5-7 किलोमीटर दूरी पर हुसैन टेकरी दरगाह है। ये जावरा का बस स्टैंड है, यहां से रतलाम और मंदसौर ज़्यादा पास है और उज्जैन भी पास है। तो आप यहां से जा सकते हो, ज़्यादा नहीं मेरे को मात्र टिकट जो पड़ा यहां का 35 किलोमीटर का, मेरे को 50 रुपये का टिकट पड़ा यहाँ का, 50 रुपये वो पड़ा। ऑटो वाला देखते हैं कितने रुपये लेता है, 50 रुपये ये ऑटो वाले भैया हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ जावरा के बस स्टैंड में, यहाँ पे ऑटो वाले भाई हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 7 किलोमीटर दूर है, जो कि यहाँ से कितने रुपये भाड़ा लगेगा? 100 रुपये मात्र आपका भाड़ा लगेगा 7 किलोमीटर दूरी का। तो मैं कर लेता हूँ टेम्पो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो मैं टेम्पो पकड़ता हूँ और दरगाह हुसैन टेकरी आप लोगों को पहुँचाता हूँ, वहाँ का नज़ारा कराता हूँ। तो फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है, हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, 10 मिनट का रास्ता है दरगाह शरीफ। तो दरगाह शरीफ अभी खुला होगा बंद होगा भाई? खुला होगा अभी।
ये देखिए यहाँ पर ये जावरा शहर है, हाईवे के पास से ही निकल के जाना पड़ता है। ये देखिए मैं जावरा से निकल रहा था तो यहाँ पे देखिए एक एंट्री फीस मुझे को नजर आ गई, ये गाड़ी का देखिए यहाँ पे चौराहा बना रखा है। ये देखिए कार का चौराहा, तो गाइस फाइनली हम लोग दरगाह शरीफ पहुंचने वाले, देख सकते हो सामने लिखा हुसैन टेकरी, बस मोड़ लेंगे हुसैन टेकरी दरगाह पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, हुसैन टेकरी के पास में भी आपको सस्ता और अच्छा होटल रूम मिल जाता है, तो आपकी इच्छा है आप कहां पे रूम लेना चाहे। और फाइनली हम लोग देख सकते हो हुसैन टेकरी दरगाह जाने वाली रास्ते में पहुंच चुके हैं, जो कि सबसे पहली बारगाह पड़ती है। और गाइस जब आप लोग गेट से अंदर दाखिल होंगे तो आपको सबसे पहले रोजे की ज़रूरत होगी, जो कि रोजा है बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह का, आपको ज़रूरत करने को मिलेगी माशाल्लाह। फाइनली मैं हुसैन टेकरी पहुँच चुका हूँ, हुसैन टेकरी का ये बस स्टैंड है और यहाँ पर घोड़ा गाड़ी भी जाती है दरगाह शरीफ में, आप घोड़ा गाड़ी में भी जा सकते हो। और यहाँ पर जो मेन आस्थान है शरीफ है, मैं अभी वहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पे जायरीन बहुत सारे दूर दूर से आते हैं, देखिए अभी किसी से बात करके आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए भाई? पंजाब से। पंजाब से आए हो क्या, क्या बात है, यहाँ के बारे में क्या सुन के आए आप? यहाँ पे बहुत फैसले होते हैं, कोई अला वाला कोई भी परेशानी हो किसी तरह का दुख हो तो यहाँ पे कटता है, थोड़ा समय लगता है पर जिंदगी सफर जितनी बिगड़ी उतनी सुधार देता है। क्या क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कितने दरबार है? यहाँ पे है 6-7 दरगाह है, 6-7 है। मेन आस्थाना कौन सा है? ये वाले बाबा इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मेन आस्थाना हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में एक और दरगाह पड़ी थी, दिखाया था मैंने आपको, अब हम लोग मेन आस्थान जा रहे हैं। यहाँ पे अगर शेयरिंग भी करके आते हो तो 10-10, 20-20 रुपये जावरा से यहाँ पे हुसैन टेकरी छोड़ देते हैं। और काफ़ी दूर दूर से जा रही आप आगे, यहाँ पर लिखा है हुसैन टेकरी शरीफ जावरा, देखिए अब हम लोग इंटर। यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं, होटल वगैरह भी है, यहाँ पास में खाने के होटल भी है, देखिए गेस्ट हाउस फाइजम खाजा, क्या बात है। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी, आप तो मुसाफिर खाना, क्या कितने रुपए चार्ज लगता होगा एक रूम का भैया? 250-300 रुपए से स्टार्ट है मुसाफिर खाना ना, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है अपने होटल का? माशाल्लाह, ठीक है। जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो दरगाह है, कितनी दरगाह है कम से कम? 6 दरगाह। 6 दरगाह है, किन किन की दरगाह है यहाँ पे? इमाम हुसैन की, अब्बास अलमदार की, मौला अली की, फातिमा की, बीबी सकीना की, बीबी ज़ैनब की। तो मेन यहाँ पे इमाम हुसैन की दरगाह है, ठीक है बहुत। बता दूँ आपको हुसैन टेकरी में फैसले होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से जायरीन यहाँ पे आते हैं, देखिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, दरगाह तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप खाना पीना भी सस्ते में खा सकते हो, गेस्ट हाउस भी आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर, मतलब एक पूरा शहर आबाद है। देखिए ये हुसैन टेकरी का यहाँ का मामला है माशाल्लाह, आधे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा शहर बसा हुआ है माशाल्लाह। टोपियाँ भी मिल जाती है यहाँ पर, देखिए टाइम कम है थोड़ा, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा मेरे को। सुबहानल्लाह, सुबह इन बार का लगता है ये वाली है इमाम हुसैन की, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्म के लोग आते हैं। देखिए सुबहानल्लाह, बहुत तगड़ा माहौल है यहाँ का। इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, ये पूरा देखिए हुसैन टेकली फूड मार्केट, ये लगता है बारगाह है। अभी जानकारी करके आपको ज़रूरत करके बताते हैं। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी सारे अलम शरीफ और यहाँ पर फूल चादर आप लोगों को मिल जाते हैं दरबार में जाने के लिए, जानते हो मुझे? हाँ भाई। ये देखिए माशाल्लाह हम दरबार में आए थे, हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हो आप? हाँ मुंबई। मुंबई से आए हो यहाँ पर, ओह क्या बात है, कब आए थे आप? 3-4 दिन हुआ भाई। माशाल्लाह, तो यहाँ पे हजरत इनसे जानकारी लेंगे। हजरत दरबार में क्या क्या पेश होता है? जी दरबार में क्या क्या पेश होता है? फूल अगरबत्ती, तो आप चादर वगैरह भी है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे नारियल देख रहा हूँ, नारियल भी पेश होता है क्या? क्या मान्यता होती है नारियल की? मतलब सबके अपनी अपनी मान्यता। तो अभी अंदर हम लोग जाते हैं, आप लोगों को ज़रूरत कराते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मार्केट है, और लगता है यहाँ पे मुहर्रम जब होते हैं, मुहर्रम में तो बहुत प्यारा और अच्छा माहौल रहता होगा माशाल्लाह। तो अभी दरबार के अंदर जा रहे हैं, आप लोगों को ज़रूरत कराते हैं। देखिए कितना खूबसूरत माहौल है, सुभान अल्लाह। और ये यहाँ की देखिए मस्जिद, ये यहाँ की मस्जिद है ना शायद,
ये देखें यहाँ की मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। अब अंदर जाते हैं, आपको ज़ियारत भी कराएंगे और यहाँ के जो खादिम साहब होंगे उन्हीं से जानकारी। यहाँ के खादिम साहब अंदर मिल जाएंगे माशाल्लाह। यहाँ के क्या नाम है आपका? माशाल्लाह यहाँ के मुहर्रम तो बहुत जोर जोर से होते होंगे, मतलब जोरों शोरों से। ठीक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चलिए दरबार के अंदर आपको ज़ियारत कराते हैं। ये देखिए, ये है रोज़ा इमाम हुसैन, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत रोज़ा है माशाल्लाह। अब यहाँ पे जो खादिम साहब होंगे उन्हीं से जानकारी करके आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। देखते हैं, पहले थोड़ा सा ज़ियारत करा देते हैं आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ना जावरा में आप देख सकते हो हाजिरी वाले लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ के जो खादिम साहब होंगे उन्हीं से जानकारी करके बताएंगे अपन। ये देखिए इमाम हुसैन के बारगाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है मिस्टर खान? अजमेर। देखिए यहाँ पे आए हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच में यार रोज़ा देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। तभी इसे कहा जाता हुसैन टेकरी, क्योंकि यहाँ पे ना पीर वलियों की बारगाह है ये, और बहुत खूबसूरत प्यारा मंजर है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फटाफट यहाँ के खादिम साहब से जानकारी लेते हुए आपको पूरी यहाँ की जानकारी देते हुए माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है, सुभान अल्लाह। ये देखिए हाजिरी वाले लोग यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, सब ठीक होकर के जाते हैं। और यहाँ पे रोज़ा भी देखिए, वो किन का रोज़ा है? ये देखिए मौला अब्बास का रोज़ा मुबारक भी सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा माशाल्लाह। अभी वहाँ की भी आपको ज़ियारत कराता हूँ मैं। बीबी सकीना का भी वही है। अच्छा, बीबी सकीना का भी वही है ना, माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत प्यारा दरबार है मौला हुसैन का, यहाँ पे बारगाह बनाया गया माशाल्लाह। अब यहाँ के खादिम साहब से ही आपको जानकारी दे के आपको बताते हैं माशाल्लाह। जब तक आप ज़ियारत करिए दरबार में, जो किसी कारण से यहाँ पे नहीं आ पाता उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, उन लोगों तक पहुँचाता हूँ माशाल्लाह। शेख साया माशाल्लाह। यहाँ के जो खादिम साहब होंगे उन्हीं से जानकारी करके आपको पहले बताएंगे। ये देखिए फूल है, ये देखिए फाइनली हम लोग माशाल्लाह मौला के बारगाह में पहुंच चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हुसैन टेकरी में मैं पहुंच चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत प्यारा रोज़ा मुबारक बनाया हुआ है, इसी को कहा जाता है हुसैन टेकरी। ये देखिए यहां पर फैसले होते हैं, जो भी अल्लाह भला वाले आते हैं माशाल्लाह, तो वो सब ठीक यहां पर ठीक होकर के जाते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी माशाल्लाह आप देख सकते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मौला की बारगाह। अभी जानकारी करके आपको बताएंगे थोड़ा सा यहाँ के बारे में। चलिए बाबा, मौला के सब कुछ ठीक है, जो काम है वो करो, बताया ना वो कर लो बेटा, है ना। चलो देखिए माशाल्लाह काफी सारे नाते हैं यहाँ पे, ठीक होकर कर हो जाए। अच्छा, बीबी जैनब का, ये बीबी जैनब का, और उस सामने जो है ना इमाम बाड़ा। ठीक है, आइए आपको वहाँ पे भी ज़ियारत करा देते हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है। देखिए चिराग रोशन करा जाता है, सुभान अल्लाह सुभान। बता दो गाइस कि मैं हुसैन टेकरी पे आया था माशाल्लाह, तो आप लोगों को क्या नाम है इमाम हुसैन की बारगाह की हमने ज़ियारत करा दी है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? और कौन कौन सी दरगाह हमने ज़ियारत कराई है? हाँ, तो यहाँ पर कौन से बारगाह जा रहे हैं हम लोग? अब्बास अलमदार। और आपको बता दूं जब यहाँ पे चिरागी का टाइम होगा तो अलग से वीडियो बना के बताते हैं। देखिए अभी इन चाची से जानेंगे हम थोड़ी सी। आप कहाँ से आए?
एमपी से आए हो? यहाँ पे बाबा के दरबार में कब से आए हुए हैं आप? पाँच छः साल से आ रहे हैं। मतलब ये है कि इस दरबार में आपको कुछ सुकून कुछ फैजियाब मिला यहाँ पर? मतलब सब मिलता है यहाँ पे दरबार में, मतलब दिल से मांगो तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं यहाँ पर, अगर कोई कैमरे में बोलना चाहेगा तो बात करते हैं। आप बोलते हैं बोलते हैं। क्या नाम है आपका? ममता सेन। ममता सेन, कब से आए हुए यहाँ पे आप? मैं वहाँ चार साल से बोले ही नहीं आते, मैं घर से तब आई है। अच्छा, तीन साल में। हाँ, करके तो यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ फर्क दिखा यहाँ पर? नहीं लगा कि मेरा घर देने वाले हैं। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया है। यहाँ पे खुद लोग बोलते हैं, क्या बात है। यहाँ पे काफी दूर दूर से जायरीन आते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में ज़ियारत करने के लिए माशाल्लाह, और यहाँ पे लोग फैजियाब होके जाते हैं। अभी यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा मैं, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ के खादिम साहब से जानकारी करके। हाँ भाई, कैसे? बढ़िया। कहाँ से हो आप लोग? हाँ, उदयपुर से आए हो क्या? झालावर से आए हो माशाल्लाह। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। क्या क्या करामत सुनी है यहाँ के बारे में? बहुत सारी बातें सुनी। ठीक है, चलिए बढ़िया माशाल्लाह। तो ये देखिए, यहाँ पे फूल चादर वाले हैं। यहाँ पे हमारे अजमेर शरीफ का हलवा बिकता है। कितने रुपए का हलवा? 120 रुपए किलो माशाल्लाह। ये देखिए, इमाम हुसैन की बारगाह के सामने ही दुकान है माशाल्लाह। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और लेके जा सकते हो। अच्छा, एक चीज बताइए कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए, इनकी क्या करामत है? ये इमाम हुसैन की दरगाह बीबी ज़ैनब की है जी, आगे अब्बास रमजान की है। तो मतलब ये कि रोजे मुबारक को बनाया गया है, यानी छवि बनाई गई है करबला की। और माशाल्लाह जो हकीकत से यहाँ पे आते हैं वो ठीक होके क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ क्या क्या करामत देखी है सुनिए आपने, बताओ थोड़ा। सांप बिच्छू मुंह से अपने आप निकलते हैं। सांप बिच्छू अपने आप मुंह से निकलते हैं? जैसे कोई जादू करता है ना, जादू वाला, तो वो उससे जादू से अंदर उतारता है। अच्छा, वो बाद में यहाँ निकलते हैं। मुंह से कीले भी निकलते हैं, नींबू भी निकलते हैं, नींबू सांप निकलते, बड़े बड़े सांप निकलते हैं, नींबू से कीले निकलते हैं, नींबू निकलते हैं, और क्या नाम से उसका कीड़े निकलते हैं। हाँ, बहुत सी बात है। मतलब जिसको जो कराए वो रहता है यहाँ पे ठीक हो जाता है, हो जाता है 100% ठीक हो जाता है माशाल्लाह। मतलब ये कि अकीदा है, सारा अकीदे का खेल है। अकीदा अगर मान लिया तो सब कुछ माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे रोजा सैयद फातिमा हजरत इमाम हुसैन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हुसैन टेकरी ऑफिस रोजा सैयद बीबी ज़ैनब। ये देखिए पूरा फाली पार्ट टू आएगा मेरा मौला अब्बास की बारगाह का। तो प्लीज चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो मिलते हैं शोनू भाई, अल्लाह हाफिज़।